पेंट करना है क्या? कोई भी चीज पेंट से शुरू करना चाहिए ना। यस। मैंने उसको बोला था मुझे जला हुआ देना, बिकॉज़ आई लव जली हुई रोटी, जली हुई ब्रेड, आई लव इट। नहीं मुझे मैनी पीपल डोंट, बट आई डू। ये कुछ बनाने का ट्राई किया था बट थोड़ा फेल हुआ है, बट ये दरवाजा तो हमेशा ही खुलता है। ये तो हमेशा खुलता है। एक नया दरवाजा खुलेगा, जल्दी खुलेगा। ऑलवेज वांटेड दिस प्लेस, ऑलवेज वांटेड। ये लो रुक, चाबी देता हूं। कौन सी वाली है? ये वाली। मैंने भी साफ सफाई कर दिया था, आप लोगों ने ऐसे देखा था। वो अंदर से करना पड़ेगा। Is wanted to have a house for our motorcycles. Even in India, I think हम लोगों को हमेशा ऐसा था कि यार इतनी बड़ी बाइक है, एक अच्छी सेफ पार्किंग मिलेगी तो कितना, लेकिन अपने इधर ऐसे सिस्टम ही नहीं है गैराज का। सो पहले जब हमें पता चला था कि मोटरसाइकिल के लिए यू कैन गेट योर गैराज, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेट किया है। 15-20 दिन पहले इंश्योरेंस चालू हो गया बाइक का, रोड टैक्स भर दिया उन्होंने, सब कुछ हो गया है, पेमेंट हो गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ एक गैराज जो हमें 28 को मिलने वाला था उसके वजह से हम लोग ने बाइक का डिलीवरी जो है वो होल्ड किया था। वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस, यू कैन सी एम्पल ऑफ स्पेस वी हैव टू पार्क अ मोटरसाइकिल, बट देन वी ऑलवेज वांटेड अ हाउस फॉर अ मोटरसाइकिल। जस्ट लाइक हम लोग एक अच्छे घर में रहते हैं, हमें हमेशा से जब भी से हम लोग के पास सैफी और सैफी आई मीन जब से हम सैफी मेरी पहली बाइक का नाम था एवेंजर, बजाज एवेंजर 220, तब से हम लोग को मन था कि एक ऐसा गैराज हो। फिर BMW 1250 आई, टाइगर आया, तो तब भी नहीं हो पाया बिकॉज अपने मतलब यहाँ पर गैराज सिस्टम नहीं है। कोई भी बड़े से बड़े बिल्डिंग में भी गैराज सिस्टम नहीं, अगर है तो बताएं हमें, क्योंकि हम लोग ने बहुत ज़्यादा हाउस हंट किया था मुंबई में और हमें कभी भी ऐसे गैराज वाली बिल्डिंग नहीं मिली थी, हमेशा ओपन पार्क। नहीं नहीं अपने इधर नहीं है स्टील पार्क, अगर आपको पता है, अगर है तो आप बताएं हमें कॉमेंट में। बट टुडे हियर वी आर, पता है यहाँ पर ये पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 6 गैराज है एंड लकली ये गैराज हमें मिल गया है। And you can see we can almost park 4 motorcycles. I mean, दो बाइक तो आएगी उसके बाद और दो मोटरसाइकिल भी कराती है, तो we can, we have a huge place. यहाँ पर हम लोग की सारी जो जैकेट्स वैकेट्स है वो हम लोग करेंगे, हम लोग को ये सब मरम्मत करनी है यहाँ पर, खिले विले लगा कर वी कैन डू इट। तो यहाँ पर हमारी पूरी जैकेट्स हो जाएगी और ये वाले रैक मैंने साफ करके गई थी, तो ये वाले रैक पर हम लोग का पूरा हेलमेट और बहुत सारी चीज आ सकती है यहाँ पर। यहाँ पे ट्यूबलाइट भी है, तो अभी 8:49 हुआ है। हाँ लाइक लिटरली हाँ, और अभी भी लाइट है और विंटर में यहाँ पे 4-5 बजे से पहले ही लाइट चली जाती है, तो वी विल रिक्वायर यहाँ पर एक और 4 गैराज थी लेकिन उनके ना रूफ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। I can't wait, you know, to see through एक सोफा ऊपर डाल सकते हैं, मस्त दोस्त लोग अगर आए तो चिल विल कर सकते हैं, सामने गार्डन है, बारबेक्यू वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर वैसे करते हैं, अपने गैराज के बाहर ऐसे चेयर वेयर डालते हैं, बहुत मजे होते। तो वी पेड गुड अमाउंट फॉर दिस स्पेस बिकॉज यूरोप में हर जगह का एक कीमत होता है। आई नो इट्स एक्सपेंसिव बट यू नो दिल की खुशी की भी कुछ बात होती है, और हमेशा जब भी ना हम घर में रहते थे ना इंडिया में भी, जब भी BMW हमारी गब्बर और सरा नीचे पड़ी रहती थी और फिर बारिश हो जाती थी या फिर धूप पड़ता रहता था, हम लोग हमेशा इतने स्ट्रेस्ड आउट रहते थे ना कि यार पता नहीं कैसे अभी बाइक रह रही होगी, पता नहीं कोई स्क्रैच मार देगा तो क्या, पता नहीं कांच कोई बैठ जाएगा बाइक पे तो क्या, एकदम स्ट्रेस फील। सचिन तेरे को नींद आएगी ना? स्ट्रेस फील हाँ, स्ट्रेस फ्री नींद आएगी ना? हाँ बहुत बहुत। Yamaha हम लोग की पहली ब्रांड है जो हम लोग ओन करने वाले हैं। We have ridden Yamaha 150s, FZs and FZX और FZS सब चलाया है हम लोग ने। हम लोग ने ओन नहीं किया, मतलब किरण ने और मैंने नहीं ओन किया, बट मेरे भाइयों ने और मैंने, हमारी सबसे फर्स्ट बाइक जो थी Yamaha FZ 15 थी,
तो एंड दैट इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग आफ्टर 10 years ऑल्सो दैट बाइक इज स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. हमने बहुत सारे यामा के साथ प्रोजेक्ट्स किए थे. FZ25 के साथ उन्होंने स्पिति किया था. देन आई थिंक 2 साल पहले हम लोगों ने लद्दाख किया था बनी के साथ में FZS, FZX एंड FZ25. तो बहुत ज्यादा हम लोग ने 150cc की बाइक ऐसे धमाल चली है तो जस्ट थिंक धमाल चली है तो अभी जो आने वाली उसमें तो बहुत मजा आने वाला है वो बाइक के साथ. अभी चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज में जो इंडिया से हमारे पास आया है व्रूम स्टोर से. सो व्रूम स्टोर डजंट ओनली शिप पैन इंडिया, दे ऑल्सो शिप पैन वर्ल्ड बोल सकते हो, ऑल एंटायर वर्ल्ड में. आप कहीं पर भी हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, अमेरिका यूएसए हो गया ठीक है, आप कहीं पर भी हो, यूरोप में हो, अबू धाबी में हो, दुबई में हो, मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, कहीं पर भी हो, व्रूम स्टोर आपको शिप कर देगा कोई भी चीज अगर आपको गियर्स में चाहिए तो. यस, विदाउट फर्दर ड्यू चलते हैं और बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं. ये सब लेबल्स क्यों लगाई है टी जींस पे? हाँ, सिर्फ मस्ती करते रहते हैं, इसको और कुछ भी नहीं आता. ये सब लेबल्स इसमें से मैंने बोला मत लगा, बोलती नहीं नहीं अच्छा लग रहा है वो जींस के ऊपर, ऐसा स्टाइल अच्छा लग रहा है. हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? ठीक है, जिसके वजह से बाइक डिलीवरी डिले हुई है वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके सब लेंगे, इसमें भरेंगे और लेके आ जाएंगे. जा रहे कस्टम्स ऑफिस यहाँ पे, जैसे व्रूम स्टोर से पार्सल यहाँ पे भेजा हुआ है, उसमें गियर्स है, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, बहुत सारी चीजें हैं. मेरे 2 boxes भेजे थे, 1 box ऑलरेडी आ चुका है. तो वो सीन क्या हुआ ना, हम लोग को कस्टम ऑफिस इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि बॉक्स में हमारी जैकेट्स और जैकेट्स में होते आर्मर, तो उन लोगों को कहीं ये ना लग रहा हो कि पता नहीं ये जैकेट किस चीज के लिए है, वेपन्स के लिए है या किस चीज के लिए है, या आर्मी के जैकेट, या आर्मी के जैकेट है. क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, वो लोग बॉक्स ओपन नहीं करेंगे आपके कंसेंट के बिना. ये पूरा फैमिली साइकिल पे निकला है घूमने के लिए. यस यस, गुड गुड सर, गुड. इसमें एक ट्रॉली नहीं है, 2 है क्योंकि सामान बहुत है. ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग अभी ओलैम्प, मतलब कस्टम्स ऑफिस. ओके, मेरा पहलवान. इधर आराम से भरेंगे. हाँ, आप लोगों को दिखा दे क्योंकि अंदर वीडियो का पता नहीं, पूछना पड़ता है ऑलरेडी, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ आराम से भरते हैं, आप लोग को भी बताएंगे क्या क्या है. किरण ने बोला था कि उनको कंसर्न था कि क्या है इसमें. हाँ. तो मुझसे ये ओपन करवाया एंड शी आस्क्ड मी कि क्या क्या है बताओ यहाँ पे, तो ये सब है. फाइनली ये पहनेंगे. ये देखो क्या है. Okay. ये इम्पोर्टेंट है ना, ये इम्पोर्टेंट है, करती हूँ. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें है, वाटरप्रूफ सॉक्स ठंड के लिए. अब होगी ना राइडिंग. क्योंकि झाड़ू जैसे अभी हमारे पास वैक्यूम क्लीनर भी है, मॉप वॉप सब चीजें है, बट कभी कभी निमोस्ट क्विकली क्विक करने के लिए अच्छा पड़ता. और स्पेशली गाइस संडे को जब है ना आवाज नहीं कर सकते ना, तब इसकी काम बहुत ज्यादा पड़ती क्योंकि है. क्योंकि यहाँ पे संडेज को आप वैक्यूम नहीं चला सकते, और संडेज को घर में मतलब बाहर जाने के लिए भी कुछ है नहीं, अनलेस यू आर राइडिंग. हो गई यहाँ के जो झाड़ू है ना, बहुत बोरिंग है गाइस. ये अच्छा है. हाँ, फटाफट काम हो जाएगा इससे मेरा. ये भी फिलहाल टेढ़ा है, सीधा हो जाएगा. एंड दिस इज थर्मल लाइनर. ओ माय गॉड, ठंडी के टाइम पे यह काम आने वाला है. बेस लायन है वो है फ्रॉम जर्सी. यस, मेरा जर्सी वाइल्ड चाइल्ड बेबी. ये तेरा है. ये मोबाइल माउंट है. बाइक्स गेस करो तब तक कौन सी आने वाली है. यस, बुकिंग वीडियो तो चली गई है राइट. तो आपको, हाँ, अपन ने बताया कि कौन सी बाइक लिया है? नहीं ना, नहीं. टू वेट, यू हैव टू वेट गाइस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय ब्यूटीफुल लुकिंग बूट्स. खूब मजा येणार तुझा, तुला घालून आता राइड राइड करणार मी. खूप मज्जा येणार. लोगों ने मस्त पॉलिश वॉलिश करके रखा था. यस, कितना सुंदर दिख रहा है. इसके अंदर मेरा सॉक्स भी है. नहीं, वो नी वाला है. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट, जिम 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 वाला. ये दूसरे बैग में बैग भर चुकी है और अभी चलो. आई डोंट लाइक समर्स.
थैंक यू कस्टम्स ऑफिस. थैंक यू. वाओ, इधर ऐसे ही वर्कआउट हो जाता है, अच्छा लगता है यार. और ये डब्बा बहुत दिन से आया हुआ था. सुपर एक्साइटेड टू ओपन दिस. जो आई नहीं स्टेजेस पे चल रही थी, बहुत सही चल रही थी. वी वर लाइक गेटिंग, यू नो, यू गेट गुड मनी व्हेन यू मेक ड्रीम्स एंड कोलैबोरेशंस एंड डू लाइक दैट. सो वी वर गेटिंग गुड मनी. एवरीथिंग वाज नाइस. रूम वाज नाइस. रूम स्टोर वाज नाइस. सब कुछ स्टिल नाइस. व्हिच इज स्टिल नाइस. सब कुछ सही चल रहा था. इट वाज लाइक वन डे हमने दो ब्रीफकेस उठाया, दो सूटकेस उठाया और चलो लेट्स लेवल अप द लाइफ, लेट्स चैलेंज लाइफ. Because change is only constant, what we feel and monotonous life we did not make chahiye. Ek din humne do suitcase uthaya aur hum nikal gaye. Hamara life sab choti, you can open it, it's okay. Main bahut serious aur acha baat bol rahi hu. Always make sure that you keep accepting all the up, keep grooming and keep accepting all the challenges and सुपर मार्केट से क्या लेना है, घर, मतलब एवरीथिंग इज लाइक सॉर्टेड सॉर्टेड. और बिलीव नहीं हो रहा है कि दो महीने में हमने बाइक भी ले ली. यस. Stay excited. Next video will be bike delivery ka video and dhamaal machayenge madam. Dhadam, dhadam. Store ke bachcho ko phone karna padega. I mean, parcel room store. Wow, I love you, room store. Our team, they are so responsible. Thank you. ये सब भेजने के लिए, क्योंकि हम लोग last class में इतने घाई घाई में हो गए थे ना. अपने riding gloves किधर? Gloves भी मिल रहा था कितना? क्योंकि इसके बिना तो डिलीवरी ले ही नहीं पाते ना हम लोग. ये तो हम लोग ऑलराइट गाइस, चकना दिख रहा है आप लोग को. अरे बाथरूम के अंदर एक बड़ा सा गुफा है, वहाँ पे और भी सामान रखे. मुझे लगा सारे ब्रीफकेस वगैरह सब उसमें ही है, अंदर ऐसे स्टोर रूम जैसा है वो, तो पूरा सब सामान उसमें चला जाता है. सो इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब. प्लीज गाइस, ऑल द बेस्ट. लिखो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे. हैव फन. ग्लव और झाड़ू के वजह से खुश हुए. कैसा दिख रहा है तू? बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ना. प्लास्टिक क्यों डालना है? ये देखो, ये प्लास्टिक इसमें नहीं डालना है. ये ब्लू बिन बोला तो इसमें सिर्फ पेपर जाएंगे. ये देखो, ये सब वो अंडे के वगैरह रहते हैं, सब टेप्स में निकाल दिया. यहाँ पर है ना, अगर आप टेप के साथ डाल भी देते ना तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन है ना क्या होता है ना, अपन को खुद को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है की. और हम लोग तो पहले से ही रिस्पॉन्सिबल है. इंडिया में हम लोग सिग्नल पे रुके रहते थे, जाते थे हम लोग और पीछे से हॉर्न मारते थे कि क्यों कर रहे हो. ये आप लोग के साथ भी होता रहेगा आई एम श्योर. प्लास्टिक में जाए, प्लास्टिक ऐसा छल्ला मिलता है, एकदम बहू जैसा ट्रीटमेंट होता है. ये येलो वाले सब प्लास्टिक है. और रानी छल्ला. सो वी आर टेस्टिंग. Feel good. Do 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 do.